बिजली गुल होने से वैसे तो पूरा पानीपत शहर परेशान है, लेकिन सोमवार को मौका था ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर पहुंचे हुए थे। दिखाई दे रही ये तस्वीरें उसी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की है, जहां पर शिक्षा मंत्री और जिला उपायुक्त बत्ती गुल होने के बाद अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों की शिकायत सुनते हुए नजर आए। इस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पूरे पानीपत प्रशासन के साथ सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, और वहीं बैठक के दौरान अचानक से बत्ती गुल हो गई। न सिर्फ बत्ती गुल हुई बल्कि जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई, जहां बिजली के अचानक लगे कट से जिला प्रशासन के पास कोई अल्टरनेट बिजली का बैकअप भी नहीं मिला, जिसके चलते करीब 15 मिनट ग्रीवेंस कमेटी की बैठक अंधेरे में ही चलती रही। वहीं जिला उपायुक्त समेत CTM और अन्य अधिकारी मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों की शिकायतें पढ़ते और सुनते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान जिला उपायुक्त वीरेंद्र धैया ने सैन को इस बारे में फटकार भी लगाई, और उन्होंने अंधेरे में चल रही बैठक के बीच में पूछा कि XEN कहाँ है, और XEN से पूछा कि बिजली कैसे भाग गई, और भाग गई तो बैकअप क्यों नहीं रखा गया। एक्शन कौन है बिजली का, यहाँ पे कौन है, लाइट कैसे गई भाई, एक्शन तो आप अपना सेटअप रखते भाई। वही जब बिजली करीब 5 मिनट तक नहीं लौटी तो XEN और ACC के पसीने छूटते हुए भी नजर आए, और एक के बाद एक बिजली निगम में फोन किए गए और पूछा गया कि बिजली कैसे चली गई, लेकिन फोन करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। बिजली करीब 15 मिनट बाद आई, हालांकि बाद में पता चला कि बिजली निगम से सप्लाई लगातार जारी थी, लेकिन जिला सचिवालय से ही किसी वजह से बत्ती गुल हुई थी। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।